शिवाय। आज पैदा हुए शिशुओं के अंदर एक अभूतपूर्व नेतृत्व की क्षमता बनी रहेगी, परम आत्मविश्वासी होंगे, आकर्षक होंगे, विद्वान होंगे, ये सारे लक्षण इन बच्चों के अंदर मिलेगा। इन बच्चों का भविष्य बहुत ही अच्छा होगा। आज चंद्रमा के राहु के नक्षत्र में होने की वजह से मेष राशि वाले जातकों में मानसिक उलझन बनी रह सकती है। स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होगा, कार्य व्यवसाय में अनुकूलता बनी रहेगी, नौकरी करने वाले जातकों का समय अनुकूल रहेगा, काम में थोड़ी रुकावट आ सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अच्छा है। माँ का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति अनुकूलता बनी हुई है, धन संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी हुई है। हनुमान जी की आराधना करें या ओम हंग हनुमते नमः का मानसिक जप करें, अनुकूलता मिलेगी। वृष राशि वाले जातकों का आज आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, फिर भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आज आपके प्रयास सफल होंगे, धन संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी, कार्य व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनी हुई है, नौकरी करने वाले जातकों का समय अनुकूल चल रहा है, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, मन लगाकर पढ़ाई करें, माँ का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, पत्नी का स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें, इससे अनुकूलता मिलेगी। मिथुन राशि वाले जातक आज अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा महसूस होगा, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, काम करने में मन लगेगा, कार्य व्यवसाय में अनुकूलता बनी हुई है, नौकरी करने वाले जातकों का समय भी अनुकूल चल रहा है, विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगेगा, धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा, अचानक धन लाभ की स्थिति बन सकती है, माँ का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें या गाय को हरा चारा खिलाएं, अनुकूलता मिलती रहेगी। राहु के कर्क राशि में होने और चंद्रमा के राहु के नक्षत्र में होने की वजह से आज कार्यभार की अधिकता और किसी समूह या कहीं नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है। स्वास्थ्य आज आपका अच्छा रहेगा, काम करने में मन लगेगा, कार्य की अधिकता की वजह से थोड़ी थकान हो सकती है, कार्य व्यवसाय में अनुकूलता चलती रहेगी, नौकरी करने वाले जातकों का समय अनुकूल है, विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल चल रहा है, पढ़ाई में मन लगेगा, माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। आज ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें, अनुकूलता मिलेगी। सिंह राशि के प्रतिनिधि सूर्यदेव जो कि शनि के साथ आपके पांचवें घर में बैठे हुए हैं, इसलिए स्वास्थ्य पर दबाव बना हुआ है, पेट संबंधी मामलों में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें क्योंकि आज चंद्रमा राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए सावधानी रखनी होगी। व्यवसाय में अनुकूलता बनी रहेगी, धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा, जो प्रयास करेंगे वह काफ़ी हद तक पूरे होंगे, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, नौकरी करने वाले जातकों के लिए अनुकूल समय चल रहा है, आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, माँ का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। सूर्यदेव की आराधना करें या गायत्री मंत्र का मानसिक जप करें, अनुकूलता मिलेगी। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन बहुत अच्छा है। जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां पहले से चली आ रही थीं, उसमें काफ़ी हद तक सुधार महसूस होगा क्योंकि बुध अब आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं,
इसलिए स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी, धन संबंधी मामलों में सुधार मिलेगा, कार्य व्यवसाय अनुकूल चलेगा, नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का समय अनुकूल है, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा चल रहा है, आत्मविश्वास बना हुआ है, भाग्य आपका साथ देगा, माँ का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, पत्नी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। दुर्गा जी की आराधना करें या गाय को हरा चारा खिलाएं, अनुकूलता बनी रहेगी। आज बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल तीनों आपकी राशि पर एक साथ चल रहे हैं। क्योंकि चंद्रमा राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए मन में भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी, धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलता रहेगा, कार्य व्यवसाय में अनुकूलता बनी हुई है, मनचाहा काम हो सकता है। नौकरी करने वाले जातकों का आज का समय अनुकूल रहेगा, विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, माँ का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहेगा, ध्यान दें, पत्नी का स्वास्थ्य अनुकूल चलता रहेगा। गाय को रोटी खिलाएं और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें, अनुकूलता बनी रहेगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों को आज का दिन उलझन भरा हुआ रहेगा, मुकदमे की स्थिति बन सकती है, सावधान रहें। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी हुई है, कार्य व्यवसाय में सहयोग मिलता रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों का समय भी आज अच्छा है, पूरा सहयोग मिलेगा, अच्छे कामों में खर्च की स्थिति बनी हुई है, माँ का स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, पत्नी का स्वास्थ्य आज अनुकूल रहेगा। हनुमान जी की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें, इससे अनुकूलता मिलेगी। धनु राशि वालों का आज कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी का बोझ उठाना पड़ सकता है, भाग दौड़ बनी रहेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, मगर स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, धन संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी हुई है, कार्य व्यवसाय सुचारू ढंग से चलेगा, नौकरी करने वाले जातकों का समय अनुकूल है, अधिकारियों का सहयोग बना हुआ है, विद्यार्थियों के लिए आज का समय बहुत उपयुक्त है, मन लगाकर पढ़ाई करें, माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ सकती है, ध्यान दें, मानसिक उलझन कुछ परेशान कर सकती है। केले के पौधे में जल डालें, हनुमान जी की आराधना करें, इससे आपको अनुकूलता मिलती रहेगी। आज से मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता ज्यादा मिलेगी, जो परेशानी पहले से चली आ रही थी काफी हद तक उसमें सुधार मिलेगा, मानसिक रूप से आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, धन संबंधी मामलों में भाग्यवश कुछ लाभ होगा, कार्य व्यवसाय में अनुकूलता पहले से चली आ रही है, काम की कुछ अधिकता महसूस करेंगे, नौकरी करने वाले जातकों का समय आज खुशहाली भरा हुआ रहेगा, विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल चल रहा है, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, माँ का स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है, पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, समय मिले तो सुंदर कांड का पाठ करें या ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें, अनुकूलता मिलेगी। कुंभ राशि आज शत्रु और विरोधियों के लिए परम शक्तिशाली चल रही है, मुकदमे और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में अनुकूलता बनी हुई है, भाग्यवश कुछ काम ऐसा होगा जो आपके लिए लाभदायक होगा, स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनी हुई है, धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलता रहेगा, कार्य व्यवसाय अनुकूल चलेंगे, नौकरी करने वाले जातकों का समय आज अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ सकती है, ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें या शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं,
अनुकूलता मिलेगी। आपकी राशि से चंद्रमा आठवें चल रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी और मानसिक उलझन बनी रह सकती है। काम करने में मन पूरी तरीके से नहीं लगेगा। कार्य व्यवसाय फिर भी जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। नौकरी करने वाले जातकों का समय अनुकूल है, अधिकारियों से सहयोग मिलता रहेगा। एक दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ सकता है किसी ऑफिशियल काम के लिए। छात्रों के लिए आज का समय उलझन भरा हुआ रहेगा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। धन संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी हुई रहेगी। माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। विशेष अनुकूलता के लिए केले के पौधे में जल डालें या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का मानसिक जप करें। ये था आज का दैनिक राशिफल। ओम नमः शिवाय।